हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बचे हुए ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी। ब्रेड क्रम्स का यूज हम किसी भी पकोड़े बनाने के लिए या कटलेट की कोटिंग के लिए करते हैं, और एक बार आप इसे बना लें और बहुत ही लंबे समय के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड के स्लाइसेस बचे हुए हैं, या फिर सैंडविच बनाते टाइम जो ब्रेड के ये साइड वाले पार्ट बच जाते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं या फिर उसको किस यूज में लेते हैं, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मैं ये बिल्कुल भी फेंकने वाली नहीं हूँ, मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लूंगी। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जो भी बचे ब्रेड हैं इस तरीके से हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे एकदम पाउडर के रूप में बारीक हमें ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें एकदम बारीक पाउडर इसका बनाकर तैयार कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का हमें पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इस पाउडर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज थोड़ी सी भी पसंद आए, यूजफुल लगे, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साइड में जो घंटी का आइकन है उसे क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये जो ब्रेड क्रम्स है उसे हम कढ़ाई में डालेंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है फ्रेंड्स, और इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ब्रेड क्रम्स दो तरीके से बनाए जाते हैं, एकदम फ्रेश ब्रेड से भी ब्रेड क्रम्स बनते हैं, और इस तरीके से वेस्ट जो ब्रेड हो जाते हैं जिसका हम यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर सैंडविच वगैरह बनाने के लिए जो हम वाइट ब्रेड कट करके और इसके साइड वाले पार्ट निकाल देते हैं, उन सारे ब्रेडों को हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे भून लिया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसे भूनने में 3 से 4 मिनट लगभग लगते हैं और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। इसका मतलब है ये अच्छी तरीके से भून गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। वैसे ब्रेड क्रम्स आप दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बचे हुए ब्रेड से ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। ताजे ब्रेड से भी आप ब्रेड क्रम्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसे अच्छे से तवा पे सेक लें और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से आप बारीक पाउडर बना के उसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इधर हमारे जो ब्रेड क्रम्स जो हमने भून के रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दे और ये बहुत ही लंबे समय तक स्टोर करके इसे रख पाएंगे फ्रेंड्स। ताजे वाले जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उसे तुरंत ही यूज करना होता है, लेकिन ये जो ब्रेड क्रम्स है इसे लंबे समय के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखा आपने फ्रेंड्स, बचे हुए ब्रेड से मैंने कितनी आसानी से ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इस तरीके से आप भी बिल्कुल भी ब्रेड को फेंकिएगा नहीं, इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप किसी भी स्नैक्स में यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।